अबू धाबी में गंगा यमुना सरस्वती का पवित्र संगम क्या हुआ, चौंक गए ना, लेकिन ऐसा साकार होने जा रहा है। इस अनूठी पहल का जायजा खुद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लिया। यूएई के दौरे के दौरान ओम बिरला ने भारतीय संस्कृति को साकार होते हुए करीब से देखा। देखिए खास रिपोर्ट। गंगा यमुना सरस्वती के संगम का नाम आते ही इलाहाबाद याद आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में ही ऐसा ही संगम का पुण्य लाभ कमाया जा सकता है। दरअसल यहां बन रहे स्वामी नारायण मंदिर के अंदर 3 जल धाराएं बनाई जा रही हैं, जिनमें इन नदियों का जल प्रवाहित किया जाएगा। खास बात यह है कि इन धाराओं को राजस्थान के कारीगर ही आकार दे रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंदिर पहुंचकर इन कारीगरों से मुलाकात की और उनके काम समेत सुविधाओं को लेकर चर्चा की। मंदिर की भव्यता देख ओम बिरला इतने अभिभूत हो गए कि उन्होंने खुद भी मंदिर के निर्माण कार्य में सेवा की। अबू धाबी में बन रहा स्वामी नारायण मंदिर, 2015 में मंदिर निर्माण का लिया गया फैसला, 2018 से मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ, 2024 तक निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना। मंदिर में होगा पवित्र संगम का एहसास। मंदिर के परिसर में बन रही 3 जल धाराएं, इनमें होगा गंगा यमुना सरस्वती का जल। इसके अलावा ओम बिरला के साथ संसदीय दल ने अबू धाबी में लोए म्यूजियम भी देखा। इस म्यूजियम की विशेषताओं की बात करें तो अबू धाबी में किया जा रहा लोए म्यूजियम का निर्माण, यहाँ भी बूंदी, जोधपुर और अलवर का नाम उकेरा गया। म्यूजियम के निर्माण में लगाई जा रही जहाँ की सामग्री म्यूजियम में एक जगह उकेरा जा रहा, उस जगह का नाम। म्यूजियम में लगाए गए बूंदी, जोधपुर, अलवर के पत्थर। स्पीकर बिरला और भारतीय संसदीय दल की अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और अमीरात की सेनाओं के सुप्रीम कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात हुई। उन्होंने बहुत आत्मीयता से स्पीकर बिरला और भारतीय सांसदों का अभिनंदन किया। बिरला ने उनसे मजबूत होते भारत अमीरात संबंधों पर चर्चा की। स्पीकर बिरला ने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को दुबई एक्सपो की सफलता पर भी बधाई दी। कुल मिलाकर ओम बिरला की ये यात्रा भारत और यूएई के रिश्तों को और मजबूत करती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।